का नहीं, वो तो एक विदेशी आक्रमण था। अरे भारत देश को उसने लूटने के लिए आया, मेरे प्रभु राम का मंदिर उसने तोड़ दिया। अरे मेरे राम मंदिर की स्थापना के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो क्या मैं संप्रदायी कहलाऊंगा? क्या मैं आतंकवादी कहलाऊंगा? लेकिन हमारे भारत देश के लोग, हमारे तेलंगाना के लोग जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, वो राजा सिंह को हिंदू आतंकवाद का नाम दे दिए। अरे भाई, अगर भगवा आतंकवाद होता तो भारत देश में एक भी आतंकवादी कोई मुल्ला नहीं होता। अरे जब हिंदू मचलता है तो देश मचलता है, जब हिंदू बिगड़ता है तो भूचाल आ जाता है। ना करो हिंदुओं को बदलने की कोशिश, अरे ना करो हिंदुओं को बदलने की कोशिश। अगर हिंदू बदले तो इतिहास बदल जाता है। अरे मेरे भाइयों, पहले किसी और की सरकार थी, आज भगवा सरकार है। आज भगवा सरकार है और यही सरकार में 2019 में भव्य राम मंदिर की स्थापना होगी। मेरे भाई, भव्य राम मंदिर की स्थापना होगी और की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं पाएगा, कोई ताकत उसको रोक नहीं पाएगा। अरे पहले तो मुल्ले मुलायों की सरकार थी। अरे अयोध्या में पहले तो मुल्ले मुलायम की सरकार थी, आज इन बाबर के नाजायज औलादों के बाप की सरकार है। कोई नहीं रोक सकेगा। हाँ, हम सुप्रीम कोर्ट का मान करते हैं, सम्मान करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जब तक नहीं आता हम प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन 2019 के अंदर, 2019 के अंदर डिसीजन आना है, नहीं तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर की स्थापना हम किसी सुप्रीम कोर्ट से आर्डर लेके नहीं बनाएंगे। अरे किसी ने राम मंदिर तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं लिया था तो हम क्यों ले? लेकिन हम फिर भी सम्मान करते हैं, हम फिर भी सम्मान करते हैं, हम फिर भी प्रतीक्षा करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर बनाना ये मेरा नहीं, तुम्हारा नहीं, भारत देश के हर राम भक्त का संकल्प होना चाहिए मेरे भाइयों। अरे अखंड हिंदू राष्ट्र सिर्फ राजा सिंह का सपना नहीं, हर हिंदूवादी का सपना होना चाहिए अखंड हिंदू राष्ट्र। अरे जब 56 इस्लामिक स्टेट बन सकते हैं, जब 100 से अधिक ईसाई देश बन सकते हैं, तो क्या मैं एक हिंदू देश की डिमांड नहीं कर सकता हूँ? क्या मेरे भारत देश को अखंड हिंदू राष्ट्र में क्या ना मैं नहीं बना सकता हूँ? अरे जब तक इस जिस्म में जान है, जब तक इस जिस्म में जान है, हमारा सिर्फ एक ही एक संकल्प होगा, अखंड हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र और अखंड हिंदू राष्ट्र। और मेरे, हमारे, हम सबके अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए कौन कौन मेरा साथ देंगे मेरे भाइयों? ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे मन चाहिए। अरे ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे मन चाहिए, अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए आपका थोड़ा सा मुझे समय चाहिए मेरे भाइयों। अरे हर हिंदू, ये मेरा देश है और इसे मुझे अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है। अगर हर हिंदू ये विचारधारा लेकर, अगर एक हिंदू 100 हिंदू कार्यकर्ताओं को तैयार करता है, मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहूंगा 2023 तक हमारे इस भारत देश को अखंड हिंदू राष्ट्र बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती मेरे भाइयों, कोई ताकत नहीं रोक सकती। अरे जो अखंड हिंदू राष्ट्र के खिलाफ जो बात करते हैं, एक बार इस बेगम बाजार छतरी पर आकर देखें। अरे हमारे, अरे इतिहास गवाह है, अरे निजाम से लड़े सो हमारे लाला पहलवान के फैमिली वाले हैं मेरे भाई। आज धर्म के लिए, देश के लिए समय देने वाला हमारा लड्डू यादव है मेरे भाइयों। सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं होगा, एक राजा सिंह से नहीं होगा, मुझे हर नौजवान में छत्रपति शिवाजी महाराज या महाराणा प्रताप चाहिए मुझे भाइयों। अरे मेरे भाइयों, सोचो, थोड़ा सा सोचो, हमारी विचारधारा कहाँ जा रही है, हम क्या सोच रहे हैं, किधर जा रहे हैं? अरे एक तरफ ईसाई मिशनरी हिंदुओं को
कन्वर्शन करते जा रही है और दूसरे तरफ लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटियों को कन्वर्शन किया जा रहा है और हमारा हिंदू समाज हाथ पे हाथ रखकर व्हाट्सएप पे फेसबुक पे बाहर में या कहीं चबूतरों में अपनी जिंदगी बिता रहा है। अगर इसी तरह तुम लोग अपना समय व्यर्थ करोगे आने वाले समय में तुम्हें तिलक लगाने के लिए भी 100 रुपए या 1000 रुपए का चालान मारना पड़ेगा। 100 रुपए या 1000 रुपए का चालान मारना पड़ेगा। मेरे भाइयों, हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें किसी को ललकारना नहीं है। अरे 100 करोड़ हिंदू अगर एक आवाज और एक मुट्ठी बनकर अगर खड़े हो जाए तो किसी की मजाल नहीं है मेरे भाइयों। अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए कोई रोक सके मेरे भाइयों? कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही साथ यहाँ पर बेगम मजार छतरी एक ऐतिहासिक क्षेत्र है मेरे भाइयों, और हर वर्ष कुछ ना कुछ कार्यक्रम यहाँ पे किया जाता है और इस बार राष्ट्रगान का एक संकल्प लिया गया। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि अपनी अच्छी सी मुद्रा में खड़े होकर मेरे साथ राष्ट्रगान करें। जो देश